सभी देशवासियों को मेरी राम राम। देखिए, पिछले कुछ दिन से मैंने एक ट्वीट किया था और उसके बाद से कुछ लोग मुझे फेसबुक मैसेंजर पर, व्हाट्सएप के ऊपर और ट्विटर के ऊपर गलत गलत मैसेज भेज रहे हैं और कुछ लोग फोन करके धमकियां भी दे रहे हैं। तो वो लोग कान खोल कर सुन लें कि मैं कोई जायरा वसीम नहीं हूँ कि तो आपकी धमकियों से डर के और मैं घर बैठ जाऊँगी। असली बबीता फोगाट हूँ, अपने देश के लिए हमेशा लड़ी हूँ और आगे भी लड़ती रहूंगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तबलीगी जमात वाले अभी भी नंबर वन पे नहीं बने हुए? क्या तबलीगी जमात वालों ने हिंदुस्तान के अंदर कोरोना को नहीं फैलाया? अगर मैं गलत हूँ तो बताइए आप लोग। मैं अपने ट्वीट के ऊपर जो मैंने ट्वीट किया है, मैं उस पर अभी भी कायम हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं लिखा है, मैंने किसी धर्म समुदाय या जाति के बारे में नहीं लिखा है, मैंने उन लोगों के बारे में लिखा है जिन लोगों ने कोरोना संक्रमण को फैलाया है। और तबलीगी जमात वालों ने कोरोना संक्रमण को फैलाया है, नहीं तो अब तक लॉकडाउन भी खुल गया होता और हिंदुस्तान से कोरोना भी हार गया होता। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहती हूँ कि अगर आप लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है तो सच सुनने की आदत डाल लें, क्योंकि मैं हमेशा ही सच लिखती रहूंगी और बोलती रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।